हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल न्यूनेटल केयर फॉर नर्सेस एंड डॉक्टर। तो आज हम बात करते हैं केएमसी के बारे में। केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर। कैसे कराई जाती है, किस किस को कराई जाती है और क्यों कराई जाती है, इसके फायदे, नवजात शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है कंगारू मदर केयर। तो आइए जानते हैं कंगारू मदर केयर के बारे में। आमतौर पर जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाते हैं उनको केएमसी कराई जाती है। बेबी या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको केएमसी कराई जाती है। इसमें परिवार का कोई अन्य सदस्य या माँ दोनों ही बच्चे को कंगारू मदर केयर करा सकती हैं। जो प्री मैच्योर बेबी को हम केएमसी कराते हैं वो स्किन टू स्किन कराते हैं, जिसमें बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और डे बाई डे वजन बढ़ता है। केएमसी किन बच्चों को कराते हैं? केएमसी उन बच्चों को कराते हैं जो समय से पहले डिलीवर्ड हो जाते हैं और जिन बच्चों का 2.5 केजी से कम वेट होता है। अच्छा, तो बात करते हैं कंगारू मदर केयर कराते कैसे हैं। बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दिया जाता है, जिसमें कि माँ और परिवार का कोई अन्य सदस्य भी केएमसी करा सकता है। आइए अब हम बताते हैं आपको कि बेबी को कौन सी पोजीशन दी जाती है, फ्रॉग पोजीशन दी जाती है। आइए अब हम बताते हैं आपको कि जो कंगारू मदर केयर होती है वो बच्चे को कौन सी पोजीशन में कराती है। बच्चे को कंगारू मदर केयर फ्रॉग पोजीशन में कराती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बच्चे को फ्रॉग पोजीशन कैसे देते हैं। आइए तो हम आपको बताते हैं इस डमी के थ्रू। ठीक है, जो फ्रॉग पोजीशन बनाते हैं उसमें हाथ ऊपर रहेंगे और हेड जो रहेगा वो लेटरल रहेगा। ठीक है, उसको इस जो बेबी है ना उसको स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कराएंगे और बेबी का जो हेड है वो ऐसे रखेंगे जिससे कि ईयर वे ब्लॉक ना हो बेबी का। देखिए ये हमारी है फ्रॉग पोजीशन। ठीक है, देखो हेड इसका फिक्स हेड है और ये इसको स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कराएंगे। अभी मैंने ये बाहर रखा है लेकिन इसको अंदर की साइड रखना है और जब हम इसको अंदर की साइड रखेंगे तो एरिया को क्लीन कर लेंगे जिससे कि बेबी को इन्फेक्शन ना लगे। ठीक है, ये इसका एयर में ब्लॉक ना हो इसलिए इसका हेड हमने फिक्स साइड कर दिया है और ये देखो पैर भी इसके सीधे होने चाहिए नीचे की साइड। लेफ्ट या राइट साइड दोनों साइड की किसी भी साइड रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स के बारे में, जो कि माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। कंगारू मदर केयर कराने से बच्चों को बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं बताते हैं। बच्चे का डे बाई डे वेट बढ़ेगा, बच्चे के वाइटल स्टेबल रहेंगे और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज होगा, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बच्चा फीड भी ज़्यादा पी सकता है और बच्चा जल्दी से वेट बढ़ सकता है बच्चे का। तो आइए हम बात करते हैं कंगारू मदर केयर से माँ को क्या फ़ायदे होते हैं। जिन माँ का ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है वो ब्रेस्ट मिल्क आने लगता है और जो बच्चे के प्रति बाउंडेशन होती है वो अच्छी हो जाती है।